तो अभी क्या सेक्शन देख रहे हैं अपन ने? राइट सेक्शन। समझ में आ रहा? आसान लगा? कितने आईसी यहाँ देख लिया अभी तक? कौन से कौन से? फर्स्ट जो देखे आप, नौ बॉल का आईसी, ठीक है। उसके बाद छह लेग वाला आईसी, उसके बाद 12 बॉल, उसके बाद पीएम 660 एल। टोटल कितने आईसी देखे? चार। अब ये वाला जो मॉडल खुला है, कौन खुला है भाई? आपकी पसंद से? नाइन ए बोले थे आप लोग, वो भी आपकी पसंद से ही खुले ना? ऐसा तो नहीं है कि एक ही मॉडल में पढ़ा रहे हा? अब ये बताओ, यहाँ पे हम हार्डवेयर सोल्यूशन में फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा इधर बताओ खालिद। तो हार्डवेयर सोल्यूशन में लेंगे तो यहाँ पे देखो, ये कितने बॉल का आईसी है भाई? 12 बॉल का। तो 1 2 3 4 5 पिन क्या बता रहा है? एनसी बता रहा। तो वो एनसी है क्या? पूरे के पूरे पिन नहीं है। तो इसका अगर फॉलो करेंगे तो रिपेयर हो सकता है क्या मोबाइल? नहीं होगा। तो उसमें दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सप्लाई है, जो के कौन से है? क्लॉक डाटा। तो अब आप लोग बताओ, इसमें क्लॉक किधर आ रहा और डाटा किधर आ रहा? आपके पास देख के बताओ। ए टू में क्या है बताओ? क्लॉक, एस सीरियल क्लॉक। और बी टू में सीरियल डाटा है ना हमारे पास। तो एक बार थोड़ा बुक इधर पलटा के बताओ आप लोग, थोड़ा कैसा बनाया दिखाएंगे। बताओ भाई बुक आपका ऐसा। हाँ, समझ में आया ये आपको? समझ में आया? थोड़ा दूसरा वाला भी बताओ, मैं सबका बताता हूँ। और क्या बनाए इधर पलटा के बताओ, ये देखो ठीक है। और आज यहाँ से शुरू करे थे। चलो थोड़ा आपका भी दिया वाला इधर मेरे तरफ बुक बताना। चलो ठीक है, समझ में आया ये आराम से? हाँ, 660 एल का भी बना लिए, ठीक है ठीक है। नौ बॉल, ठीक है। और नौ बॉल, ये बताओ समझ में आया? हाँ आपको? चलो आप आसाम से? चलो कहाँ से? आसाम में? कुकराजा। चलो ठीक है, ये कौन सा है भाई? 12 बॉल। चलो और ये 60। चलो और उधर पीछे होगा ये 6 लेग, ये 9 बॉल का। आपका एक हाथ कोई बता दो, बता दो तो एक कोई भी। चलो कोई नहीं, यही बता दो लास्ट वाले यहाँ बनाए ना, ठीक है नॉर्मल बनाए आपका, ठीक है। आप कहाँ से पहले बताओ? मुंबई से, ठीक है। और क्या बनाए? 660 एल का। चलो आपका बताओ, आप कहाँ से? महाराष्ट्र सोलापुर। बताओ थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला PM 660 L, ठीक है ठीक है। और ये वाला 6 लेग का, हाँ ठीक है। और ये वाला 9 लेग का, 9 लेग का, 9 बॉल का। समझ में आया? पहले कभी आता था ऐसा डायग्राम बनाते थे आप? बनाते थे कभी? नहीं। कितने दिन हो गया आज को? 6 दिन। समझ में आ रहा? थोड़ा और पीछे, 6 लेग वाला है सर, ठीक है। और ये 4 लेग वाला आईसी, ये बॉल वाला आईसी है, ठीक है। 9 बॉल और 6 लेग। आप कहाँ से? बेंगलोर से। बेंगलोर से है। इधर बताओ भाई, सोलापुर, तुम भी सोलापुर? कोलापुर, 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 नागपुर, पूरा इधर ही से। चलो नेक्स्ट। अच्छा बनाए, ठीक है। और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि कॉपी करें? आपका भाई बताओ, ठीक है। आप पीछे उमर, हैदराबाद से छे, समझ में आया? आपका 9 बॉल, 6 लेग, 9 बॉल, ठीक है। हरियाणा तुम, ठीक है। आपका भाई, ठीक है। अभी ये बताओ, समझ में आ रहा आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही मॉडल खोल के पढ़ा रहे अपन, रात में जो देख के है उसी में तो नहीं पढ़ा रहे नहीं। अब ये बताओ, कोई भी अगर मॉडल लाइट का आ जाए रिपेयर कर सकते हैं? हार्डवेयर सोल्यूशन देखेंगे कि डायग्राम से सीखेंगे? अब मार्केट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डायग्राम वगैरह कुछ नहीं, दो स्टेप पे बना देंगे, डायग्राम रीड नहीं करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन देंगे, होगा क्या ऐसा? बताओ भाई, यहाँ पे इतने सारे कॉम्पोनेंट्स है, यहाँ देखो एक सीरीज में क्या लग के है?
कॉइल लग के अब ये कॉइल निकल ही जाता है यहाँ से, ट्रैक क्या हो जाता आपका ओपन हो जाता। अब जो हमारी यहाँ पे है स्विचिंग लाइन, क्या है अब ये 4 वोल्ट तो ये कॉइल के थ्रू होकर के ऐसा होकर के बाहर पूरा इसी तक कनेक्टर तक चला जाएगा, लेकिन ये सप्लाई ब्रेक रहेगी तो लाइट बनेगी क्या? अब इसमें बारीक चीजें हैं बहुत सारी समझने के लिए। जैसा मैं 6 लैक में बताया आपको 5 से 10 ओम्स का रजिस्टर, वो रजिस्टर निकाल देंगे तो ट्रैक तो ब्रेक नहीं होगी आपकी, क्योंकि वो पैरेलल में लगा है। कैसा लगा है? पैरेलल में लगा है, लेकिन आपका लाइट नहीं आएगा उसमें, तो फिर रिपेयर कर पाएंगे क्या? अब उसको चेक करेंगे तो वन साइड क्या मारेगा, वो बीप मारेगा ना, क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन में लग के है। ठीक है, अब वो ग्राउंड बोल के स्टूडेंट अगर कोई निकाल दिए कोई टेक्नीशियन, तो लाइट कभी बनेगा क्या? तो ऑल ओवर ये बताओ, डायग्राम समझ में आ रहा आपको? जो सोच के आए थे मिल रहा आपको? मिल रहा है? उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है, दिल से बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा रहता है कि 8 दिन 10 दिन खाली थ्योरी थ्योरी बताते, समझ रहे आप? लेकिन हमारे पास कैसा है कि सुबह में आपको फ्रेश रहते हैं माइंड, उस टाइम पे हम सर्किट को समझ लेते हैं। ये जो ड्राव करा रहे हैं ना आपको, ये रात में कराएंगे तो नहीं करेंगे आप, नींद आती है, सुस्त हो जाते। तो 3 घंटा हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में सारा चीज प्रैक्टिकल देख रहे कि नहीं देख रहे? हाँ, खाली थ्योरी पढ़ा के छोड़ तो नहीं दे रहे? फिर उधर क्लास में जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब ये बताओ, रिबॉलिंग यहाँ आने से पहले किसको किसको नहीं आता था? तकरीबन लोग नहीं करते थे इसमें। सीपीयू हो रहा रिबॉल अभी? पक्का? ट्रिक कैसी है? इजी हो रहा? अब ये बताओ, कितने लोग सीपीयू डाल के ऑन कर लिए सेट? इतने सारे कर लिए? अभी 2-4 बचे हुए हैं, उनका भी हो जाएगा। और आप लोग तो पहले भी करे ना आप लोग तो? हाँ, अब ये बताओ सीपीयू आसानी से लग रहा? अच्छा, ऐसा अंदाजे से तो नहीं लग जा रहा? क्या ही क्या ऐसे ही लग गया वही बोल गए? एक बार अंदाजे से लगता कोई भी चीज, एक बार अंदाजे से रिवॉल्व होता, लेकिन बार बार आप कर सक रहे कि नहीं कर सक रहे? फोन दिए आपको ऑन? ऐसा तो नहीं डेड फोन देके घसा दे रहे? फोन चेक करा के दिए थे, फोन चेक करा कर ऑन दिए थे, उसके बाद हम लोग अपने हाथ से सीपीयू निकाला और फर्स्ट टाइम में उसको रिवॉल्व करके फर्स्ट टाइम में उसको ऑन किया। ऑन करें? अब ये बताओ, अगर से डेड फोन देते, कीपैड का दे रहे बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर, जियो का छोटा फोन डेड रहता, वो भी उसमें काम करा रहे, डेड फोन देते तो क्या कॉन्फिडेंट आता आपका? नहीं आता? अभी ऑन फोन का आप सीपीयू निकाल के डाल रहे तब कॉन्फिडेंट आता आपको, समझ रहे हो? तो अभी तो आपका रिवॉल्विंग चल रहा, नॉर्मल हैंडसेट पे काम कर रहे, फिर ब्लैक पेस्टेड भी खोलना सीखना है। ओप्पो वीवो का हार्ड ग्लू रहते, वो भी 2 बोर्ड देते, सैमसंग व्हाइट पेस्टेड येलो पेस्ट रहता, वो भी कैसा ओपन करना है उसका भी इजी ट्रिक बताते। फिर एक डबल डेकर का चल रहा है मार्केट में काम अभी, A50 वगैरह, उसका भी 1 बोर्ड देंगे, उसमें भी देखो। पहले तो करके आपको बता रहे लाइव, ऐसा तो नहीं है कि आपको खाली बता दे रहे हैं कर लो बोल के छोड़ दे रहे हैं। टीचर रह रहे साथ में, पूरा बंद करे थे। सुबह कितना बजा रहे? रात में कितना घंटा हो जा रहा अपने को? 10 घंटा हो रहा है। बोर तो नहीं मार रहा? बस से भाई क्या काम करते है, इंटरेस्ट नहीं है ऐसा तो नहीं लग रहा? हाँ, टाइम चले जा रहा। कितना दिन हो गया आज को? 5 या 6 दिन निकल गए ऐसे ही देखते देखते, समझ रहे? तो यहाँ पे टाइम नहीं दिखता क्योंकि अपन काम में लगे हुए हैं ना, बिजी। ऑल ओवर ये बताओ, कोई आना चाहे इंडिया से क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते हैं? आपका दिल से बोलो भाई, जो भी लग रहा है। यहाँ मेहनत करके सिखाते हैं हम लोग, तभी आप लोगों को समझ में आता। अच्छा ये बोलो, इतना डायग्राम आपको नहीं बनाने लगा थे, एक ही आईसी बता के खत्म भी कर सकते थे, है ना? कितने आईसियां बता दी अभी तक? 4-4, 5-5। फिर वो मॉडल ओपन कर रहे हैं जो आप पसंद कर रहे हैं, चाहे जो भी सेक्शन हो, अपन पढ़ते हैं तो आप स्टूडेंट की पसंद से ही खोलते हैं अपन। ऐसा नहीं कि ये नहीं खोलेंगे, वही खोलेंगे, वो नहीं खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी खोल के रीड कर सकते हैं ना। डे 1 से आपको डायग्राम कैसा ओपन करना है, कौन सी फाइल रहती, पीसीबी में क्या क्या रहता है, क्रिस्टल कौन से आ रहे हैं, कॉम्पोनेंट कैसे चेक करना है, सारी चीज बेसिक से लेकर आए। अब सेक्शन में लेके आए, एक आईसी कैसा काम करता, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आईसी के, लाइट सेक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कल चार्जिंग देखे, चार्जिंग में कॉलकॉम भी बताए, एमटीके में भी बताए, सारा डायग्राम बनाए आप उसका भी। समझ में आ रहा ना? एक ही 6 लेग का आईसी बता के भी खत्म कर सकते थे, लेकिन कल के दिन कोई और आ जाता, 9 बॉल आ जाता, उसमें अलग सप्लाई है, 12 बॉल आ जाता, पीएमआई पीएमएल आ जाती उसमें अलग, फिर कल सुपर ऑमलेट अलग से बताएंगे आपको। तो
तो इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक बार सीखना है, अच्छे से काम करना है, दोबारा कहीं और सीखने की जरूरत नहीं पड़ना। आप ये बताओ, अभी तक 6 दिन में आपको ऐसा लग रहा है कहीं और जाने की जरूरत है ऐसा? नहीं, पक्का? अब बहुत सारे बच्चों को देखा मैं, एक महीना एक इंस्टीट्यूट में दिखते, फिर एक 3 महीने बाद फिर एक जगह दिखते, फिर एक 3 महीने बाद फिर एक जगह दिखते। फोन फिक्स में एक ऑप्शन ये भी है आपके पास, 6 महीने के अंदर और एक बार अपडेट के लिए आना है तो आ सकते आप लोग। जैसा काम सीख के गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, थोड़ा साइलेंट करो, हले 2 महीना हो गया, कुछ कहीं पे फंस रहे कर रहे हैं, हैंड स्किल के लिए आपको लग रहा है क्या रिबॉलिंग सीखने के लिए आना पड़ेगा? आईसी डालने निकालने नहीं, नहीं पड़ता। आज तक फोन फिक्स का हिस्ट्री में कोई बच्चा आईसी डालने निकालने के लिए नहीं आया हुआ, मतलब दोबारा कोई रिपीट आए तो या तो कोई फ्रेशर है, बहुत पहले कभी काम नहीं करे, बिल्कुल फ्रेशर थे, या तो फिर जाके कोई काम ही नहीं करे, कोई दोस्त का दुकान नहीं है, भाई का दुकान नहीं है, या दुकान नहीं है उसका खुद का, तो वो लोग क्या करते हैं 2-3 महीने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर लेते, तब जाके उनको आना पड़ता। बाकी इतने बच्चे सीखे कभी दोबारा आते ही नहीं यहाँ पर, इसलिए बैक सपोर्ट देने का जरूरत ही नहीं पड़ता। और एक चीज है, व्हाट्सएप पे आप देखते हैं तौफिक सर है और एक सिकंदर सर है, सब लोग क्या करते हैं बैक सपोर्ट से आपको आंसर देते ही रहते, बच्चों का कुछ काम कर रहे तो, समझ रहे? तो ये ऐसे चलते रहता। बाकी अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्लास, और अभी तक जितना भी आप लोग काम कर रहे हैं, इतनी दूर आए, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही और 12-15 दिन जितने भी ऐसे ही मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है, ठीक है। एक बार सबके लिए जोरदार क्लैप्स कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।